जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अगले सप्ताह इंडियन एयरफोर्स के लिए 12 सुखोई Su-30M की आई फाइटर्स वाली डील को मिल सकता है क्लियरेंस। AMCA प्रोग्राम की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO ने 45 दिन के रिकॉर्ड टाइम में बनाई एक मल्टी स्टोरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। पाकिस्तान में घटी एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग वाली जैसी एक और घटना। द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर CRPF DG का आया बड़ा बयान। और भारत द्वारा रशिया से डिस्काउंट में क्रूड ऑयल खरीदने वाले प्रस्ताव पर अमेरिका ने दी अपनी प्रतिक्रिया। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी को टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आपके होली के स्पेशल प्लान्स क्या हैं। रशिया और यूक्रेन के विवाद के बीच जहां कुछ रिपोर्ट्स ऐसी निकल के सामने आ रही थी कि भारत और रशिया के बीच जो कई सारी महत्वपूर्ण डिफेंस डील्स हुई हैं, तो उन डील्स में हमें देरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब टाइम्स नाउ की तरफ से एक्सक्लूसिवली एक ऐसी रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स बहुत ही जल्द रशिया से 12 सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स के ऑर्डर्स को प्लेस कर सकती है, और लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक की कीमत वाली इस डील को अगले सप्ताह रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC द्वारा क्लियरेंस मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अगले सप्ताह DAC की मीटिंग में इंडियन एयरफोर्स के लिए 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और BEL द्वारा बनाए गए करीब 50 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, तो इन दो डील्स पर भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन एयरफोर्स अपने लिमिटेड इन हाउस कैपेसिटी के कारण अपने रशियन ओरिजिन के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स की रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का जो कार्य है उसे अब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को आउटसोर्स कर रही है। और ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के पास Mi-17 हेलीकॉप्टर की एक बहुत बड़ी फ्लीट है जिसमें बेसिकली 3 अलग अलग वेरिएंट्स हैं, और जो सबसे लेटेस्ट वाला वेरिएंट है उसे हम जानते हैं Mi-17 V5 के नाम से। और इन Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग के लिए जो मौजूदा No. 3 बेस रिपेयर डिपो है, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, और इसी वजह से फैसला लिया गया है कि Mi-17 के जो लेटेस्ट वेरिएंट है यानी कि V5 वाले, तो कुछ नंबर्स में उनकी मेजर ओवरहॉलिंग के लिए ये हेलीकॉप्टर्स ओवरसीज भेजे जाएंगे। और इसके अलावा इन हेलीकॉप्टर्स के रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग के लिए भारत में जो प्राइवेट एविएशन इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको भी इसमें शामिल करने पर काम किया जा रहा है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है कि डिफेंस रिसर्च में स्पेंड करने के मामले में और बढ़ते हुए खतरे की आशंका को देखते हुए भारत अभी भी अमेरिका और चाइना जैसे देशों से डिफेंस रिसर्च में स्पेंड करने के मामले में काफी पीछे है। और इस पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने डिफेंस की रिसर्च और डेवलपमेंट में अपनी GDP का 1% से भी कम का हिस्सा इस्तेमाल करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 में भारत ने डिफेंस R&D में 0.088% निवेश किया था, तो वहीं 2020-21 में ये परसेंटेज और भी कम हो गई थी जो कि है 0.083%। और अगर आप टोटल डिफेंस खर्च में से केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले खर्च को ही देखते हैं, तो इस मामले पर भारत चाइना और अमेरिका जैसे देशों से काफी पीछे है, क्योंकि चाइना है वो अपने डिफेंस बजट में से 20% खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो वहीं अमेरिका खर्च करता है 12%। और इसलिए इसी रिपोर्ट के आधार पर कमेटी की तरफ से ये रिकमेंड किया गया है कि भारत में डिफेंस रिसर्च के लिए पर्याप्त मात्रा में फंडिंग दी जाए ताकि हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें फुल पोटेंशियल के साथ हम समय पर पूरा कर सकें। और साथ में इस पैनल ने DRDO के लिए दिए जाने वाले बजट पर भी अपना असंतोष व्यक्त किया है। यानी कि एक तरीके से पैनल का कहने का मतलब यह है कि DRDO को जितना बजट मिलना चाहिए उतना उससे अभी तक नहीं मिल रहा है, और बजट की इसी कमी के चलते रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ऑपरेशनल नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं। वैसे आपको नहीं लगता कि डिफेंस R&D में इतना कम बजट होने के बावजूद भी भारत ने अग्नि, तेजस, अर्जुन ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को विकसित किया है, तो अब जरा सोचिए कि अगर इस डिफेंस R&D बजट को और बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या क्या कमाल की चीजें हो सकती हैं। वैसे इस पर आपको जो विचार हैं कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADE में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए एक मल्टी स्टोरी फैसिलिटी को बनाया गया है, और ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि DRDO द्वारा ये फैसिलिटी केवल 45 डेज के रिकॉर्ड टाइम के अंदर इन हाउस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई है। ये जो फैसिलिटी है ये एक 7-story बिल्डिंग है जो कि 1.3 लाख स्क्वायर फीट के एरिया पर है, और ये एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के 5th generation मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट के डेवलपमेंट के लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज की तरह काम करेगी। और ऑफिशियल्स का कहना है कि यहाँ पर AMCA जैसी परियोजना के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए एवियोनिक्स को विकसित करने की सुविधाएं रहेंगी। और इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व ऑफिशियल्स की तरफ से क्लेम किया गया है कि भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि रेडी टू मूव कंडीशंस में एक यूनिक रिकॉर्ड टाइम में परमानेंट 7-story बिल्डिंग को हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के साथ कम्प्लीट किया गया है। तो अभी जो एक्सीडेंटल फायरिंग वाला इंसिडेंट हुआ था उसके सदमे से
हमारा जो प्यारा निकम्मा पड़ोसी है वो अभी पूरी तरीके से उभर भी नहीं पाया था कि अभी हाल ही में एक और ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसने एक बार फिर से पाकिस्तान में पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। तो हुआ यह है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जमशोरो सिटी में आज आसमान से एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को गिरते हुए देखा गया था। हालांकि वो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्या था, यानी कि कोई मिसाइल थी, कोई यूएवी था या पाकिस्तानी कोई एलियन शिप थी, क्या था अभी इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं लग पाया है। इस मामले की जांच जारी है। हालांकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आई है तो उसको देखकर तो यही लगता है कि वो एक मिसाइल थी जिसे शायद पाकिस्तान ने टेस्ट किया होगा पर वो टेस्ट सफल नहीं हो पाया। पर फिर भी एग्जैक्टली क्या था तो उस पर अभी डिटेल्स आनी बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि आज जब इस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को आसमान से गिरते हुए देखा गया तो जमशोरो सिटी में पाकिस्तान के स्थानीय लोगों में फिर से भगदड़ का माहौल बन गया था, क्योंकि क्या पता उन्हें लग रहा हो कि एक और मिसाइल एक्सीडेंटली फायर होकर उधर आ गई हो। और कुछ का तो ये भी कहना है कि भारत से जो एक्सीडेंटली मिसाइल फायर हुई थी तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी इसी तरह के कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। पर खैर, हम आपको पहले ही क्लियर कर दें कि ये केवल एक अनुमान है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस घटना की जांच चल रही है और ये कहा गया कि जब ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नीचे गिरा तो उसमें एक्सप्लोजन की कोई आवाज नहीं आई थी। और बाकी ये भी कहा गया कि जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है तो वहां पे नो टाइम यानी कि नोटिस टू एयरमैन भी जारी किया गया है। तो इसी वजह से एक कारण ये भी है कि इस बात की संभावना ज्यादा जताई जा रही है कि भारत के एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग वाले इंसिडेंट का पाकिस्तान की तरफ से जवाब था। बस दिक्कत यह है कि ये जो जवाब है ये भारत तक पहुंच नहीं पाया, वो उससे पहले ही ढेर हो गया। पर खैर, इसको लेकर आपके जो भी ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और वैसे अगर इस तरह के इंसिडेंट होते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा दिन आए जिस दिन पाकिस्तान अपने आप को खुद ही उड़ा ले इस तरह के किसी टेस्ट में। जैसे कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने कभी मूड बना कि भारत पर न्यूक्लियर अटैक करता हूं, तो वो क्या करेगा, मिसाइल लेगा चाइना से, उसमें वॉरहेड लगाएगा न्यूक्लियर, लेकिन जब लॉन्च करेगा पता लग रहा लॉन्च करके मिसाइल पहले आगे गई और फिर घूम के पीछे वापस कराची की तरफ आ गई, तो फिर तो अगले दिन उस इंसिडेंट के बारे में कोई बताने वाला भी शायद ना मिले। पर खैर, ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। बाकी एक अपडेट है जिसमें ब्लूमबर्ग की तरफ से रिपोर्ट जारी करके ये कहा गया है कि अभी जो भारत से मिसाइल एक्सीडेंटली फायर हुई थी तो वो पंजाब के अम्बाला से लॉन्च हुई थी, ना कि सिरसा से, जैसा कि पाकिस्तान ने दावा किया है। और इसी रिपोर्ट में ये तक दावा किया गया है कि भारत ने इस इंसिडेंट के बारे में पाकिस्तान को सूचित करने के लिए डायरेक्ट हॉटलाइन का इस्तेमाल नहीं किया था। और जो सारे दावे हैं ये किसी अननेम्ड सोर्सेस के हवाले से किए गए हैं। और बाकी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि जो मिसाइल फायर हुई थी वो मीडियम रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी। और हाँ, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पाकिस्तान इस इंसिडेंट पर कोई जवाबी स्ट्राइक कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो पीछे हट गया, क्योंकि उनके इनिशियल असेसमेंट से इस बात के संकेत मिलते थे कि इसमें कुछ गड़बड़ है। हालांकि इस पॉइंट से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाँ, अगर पाकिस्तान उस समय चाहता तो वो जवाबी कार्रवाई कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई नहीं करी, तो यही सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर इसमें बना हुआ है। अब या तो ये हो सकता है कि शायद पाकिस्तान को अनुमान था कि पिछले बार जब उसने जवाबी कार्रवाई करी थी तो एक F-16 उन्होंने खो दिया था, अब इस बार जवाबी कार्रवाई करेंगे तो पता नहीं क्या खोना पड़ेगा। CRPF के DG कुलदीप सिंह ने आज मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। जैसे कि उनकी तरफ से बताया गया कि जब से आर्टिकल 370 हटा है, जम्मू कश्मीर में फॉरेन टेररिस्ट की घुसपैठ और पत्थरबाजी वाली जो घटनाएं हैं उनमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया है कि 1 मार्च 2021 से 16 मार्च 2022 तक CRPF द्वारा जम्मू कश्मीर में टोटल 175 सुअरों को होरिफाइड किया गया है और करीब 183 को गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच CRPF ने जम्मू कश्मीर से 253 आर्म्स, 7,541 एम्युनिशंस, 96.38 किलोग्राम के एक्सप्लोजिव, 23 IEDs, 232 ग्रेनेड्स और 36 डेटोनेटर्स को रिकवर किया है। और 1 मार्च 2021 से 16 मार्च 2022 तक करीब 91 एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CRPF DG ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर भी एक बयान दिया है, जिसमें उनकी तरफ से बताया गया कि CRPF के करीब 3.25 लाख जवानों और ऑफिसर्स को एक फिल्म दिखाई जाएगी, क्योंकि उनके मुताबिक ये राष्ट्र से जुड़ी एक ऐसी फिल्म है जिससे लोगों में उत्साह पैदा होता है और वो देखी जानी चाहिए। और इस तरह की फिल्मों से किसी गंभीर विषय को लेकर लोगों के अंदर एक संजीदगी का माहौल भी बनता है और उन्हें एक अतीत के सच की जानकारी मिलती है, इसीलिए जवानों को ये मूवी दिखाने का प्रयास करेंगे। और इसी दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर घाटी में CRPF के कुछ कैंप अभी कश्मीरी पंडितों के घरों में भी स्थित हैं और इस बात को CRPF खुद स्वीकार करती भी है, और जबकि 3 मंदिर परिसरों में भी CRPF के कैंप चल रहे हैं, पर अब कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों में आ सकते हैं और वो जैसे ही अपने घरों में आएंगे CRPF अपने कैंप को हटा लेगी। और अगर उनके यहाँ आने से पहले वो ये कहते हैं कि उनके घर परिसर को खाली कर दिया जाए तो उसमें कोई भी देरी नहीं होगी। और वैसे द कश्मीर फाइल से याद आया, आप में से कौन कौन है जिन्होंने मूवी देख ली है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो हम तो उनको रिकमेंड करेंगे कि आप जरूर से इस मूवी को देखिए, क्योंकि ये केवल एक मूवी नहीं है बल्कि ये हमारे देश का एक ऐसा कड़वा सच है जो हर किसी को पता होना चाहिए। बाकी हम ये मूवी देख चुके हैं और बहुत ही जल्द अपने स्क्वाड इन चैनल पर इसका एक रिव्यू भी प्लान कर रहे हैं।
और जबकि अभी हाल ही में FICCI के एक इवेंट को संबोधित करते हुए इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से भी कहा गया है कि जो वॉर मूवीज होती हैं जैसे कि उरी, शेरशाह, तो आर्म्ड फोर्सेस की तरह नेशन बिल्डिंग में इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इंडियन आर्मी चीफ के मुताबिक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का इंडियन आर्म फोर्सेज के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्योंकि वॉर जोन में जो चैलेंजेस होते हैं, जो सैक्रिफाइसेस होते हैं, तो वॉर मूवीज के माध्यम से ही इन चैलेंजेस और सैक्रिफाइसेस के बारे में जनता को मालूम पड़ता है। और उन्हें कहना था कि आर्म्स और सिनेमा, इन दोनों का जो प्रोफेशन है अगर नेचर वाइज देखें तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो ये कि ये दोनों ही नेशन बिल्डिंग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और एक अच्छी मूवी कई तरीके से ऑडियंस को एंटरटेन, एनलाइटन और इंस्पायर भी करती है। और अगर आप में से कोई इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहा है कि इंडियन आर्मी चीफ भला मूवी वगैरह की सब बातें क्यों कर रहे हैं, तो बता दें कि ये सारी चीज़ें एक तरीके से इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का ही हिस्सा है। और आज के समय में इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर क्यों जरूरी है, तो उसके लिए आप यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को एक बार शुरू से लेकर अभी तक देख लीजिए। यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को आज 22वां दिन हो चुका है और इसी बीच आज गुरुवार को यूके के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से यह कहा गया है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में रशियन फोर्सेस ने अभी तक लैंड, सी और एयर, इन तीनों डोमेन में बहुत ही कम प्रोग्रेस हासिल की है और रशिया लगातार बहुत भारी नुकसान उठा रही है। इसके अलावा AFP न्यूज एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि इसी यूक्रेन क्राइसिस को लेकर रशिया यूरोप का जो मास मिशन था वो सस्पेंड हो चुका है। और AFP न्यूज एजेंसी के मुताबिक रशियन स्पेस एजेंसी के प्रमुख का कहना है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा इस मिशन को सस्पेंड करने का जो फैसला है उस पर रशिया को रिग्रेट है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल शुक्रवार को US प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ बात कर सकते हैं और इस दौरान रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जैसे इश्यूज को भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट यह सामने आया है कि तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ UN ने औपचारिक रूप से संबंध स्थापित किए हैं। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से 22,500 से अधिक इंडियंस को इवैक्यूएट कराया गया है, लेकिन अभी भी कुछ यूक्रेन में ही हैं और उनमें से कुछ वापस नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उनका यह भी कहना था कि हम अभी भी उनके साथ कांटेक्ट में हैं और उनके आकलन के मुताबिक करीब 15 से 20 ऐसे होंगे जो वापस आना चाहते हैं और बाकी के लोग जो हैं वो वापस नहीं आना चाहते हैं। और बाकी भारत सरकार देख रही है कि जो वापस आना चाहते हैं तो उनको किस तरीके से इवैक्यूएट कराया जाए। इसके अलावा भारत द्वारा रशिया से क्रूड ऑयल खरीदे जाने वाले सवाल पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि भारत अपनी अधिकतर ऑयल रिक्वायरमेंट्स का इम्पोर्ट करता है और इसलिए हम अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट्स के इंपोर्ट की सिचुएशन के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हमेशा सभी तरह की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि ऑयल इंपोर्ट के मामले में रशिया भारत का मेजर सप्लायर रहा है। बाकी जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि रशिया ने भारत के लिए डिस्काउंट में ऑयल का ऑफर दिया है और इसी पर अमेरिकन ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर भारत रशिया के डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल वाले ऑफर को लेता है तो वो अमेरिकन सैंक्शंस का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी जब इतिहास लिखा जा रहा है तो इस समय आप कहाँ खड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन में रशियन नेतृत्व का समर्थन एक आक्रमण का समर्थन है जो कि स्पष्ट रूप से विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। हालांकि हम आपको पहले ही क्लियर कर दें कि भारत ने इस यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में रशिया के इन्वेजन को सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि भारत ने इसमें पूरे मामले पर अपनी न्यूट्रल पोजीशन को मेंटेन करके रखा है और भारत शुरू से ही इस पूरे विवाद को कूटनीति के माध्यम से सुलझाने के लिए आग्रह कर रहा है। और वैसे कुछ बड़े बड़े देश हैं जो भारत द्वारा रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करने वाले मामले पर भारत को लेक्चर दे रहे थे कि भारत को रशिया का जो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल वाला ऑफर है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, पर खैर इनको भारत को लेक्चर देने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि जब नेटो खुद ही अभी भी रशिया से ऑयल और गैस को इम्पोर्ट कर रही है, यहां तक कि अभी कुछ दिनों पहले तक USA भी रशिया से ही ऑयल खरीद रहा था। और जैसे कि इंडियन ऑफिशियल ने क्लियर किया है कि ऑयल रिक्वायरमेंट भारत की इम्पोर्ट से ही पूरी होती है, तो फिर भला अगर भारत को कोई डिस्काउंटेड ऑफर दे रहा है क्रूड ऑयल का तो भारत इस पर विचार क्यों ना करे। और खैर बाकी इस विचार पर आपके जो विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में उसे शेयर कर सकते हैं। और बाकी इन सबके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की सर्विस में 5वीं ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका नाम है ICGS सक्षम, तो इसे औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया गया है। और जबकि कल बुधवार को एक खास सेरेमनी के दौरान इंडियन नेवी की सर्विस में भी 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट को इंडक्ट किया गया था। बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 2021 में इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता ने MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट की दुर्घटना में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2016 में अरुणाचल प्रदेश में ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के दौरान हुई एक लैंडस्लाइड के दौरान मेजर नीरज पांडे ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। और अब समय है आज के top 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।